कि हम अपना मार्केट प्लेस फेसबुक पे कैसे सेटअप करें और अपने बिजनेस को कैसे आगे ले जाएं और अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। जो आपने पेज बना रखा है और पेज बना रखा है उस पेज को हम लेंगे। सपोज मैंने ये पेज बनाया, यहाँ साइड में देखिए शॉप ऑप्शन है। अगर आपका शॉप ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद पेज एंड टेम्पलेट्स पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ नीचे देखिएगा साइड में, अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन ला सकते हैं ऐड टैप करके। मेरा ऑलरेडी आ रहा है तो इसलिए हम नहीं लाएंगे। ऐड टैप करेंगे, जो ऑप्शन यहाँ ऐड करना है आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से हम अपने पेज पे जाते हैं, जो पेज मैंने ओपन कर रखा था। यहाँ शॉप का ऑप्शन है, शॉप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई अग्री द सेलर्स टर्म्स एंड पॉलिसी, इसको क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन जो होगी वो हम करेंगे। यहाँ पर देखिए मैसेज टू बाई चेक आउट अनदर वेबसाइट, अगर इस पर करेंगे तो आप वेबसाइट पे डायरेक्ट करवा सकते हैं। ओके, सेंड पीपल टू अनदर वेबसाइट टू कंप्लीट देयर परचेज, दूसरे वेबसाइट पर ले जाएंगे। लेकिन मैं मैसेज टू बाई ये कर दूंगा, यानी हमारे पास मैसेज आएगा खरीदने के लिए, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। इंडियन रुपी होगा, आप इंडियन रुपी कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर सेव कर देंगे। बहुत ही इजी स्टेप है, आप अपनी सेल्स को बूस्ट करा सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमें कुछ करना नहीं है। ओके, यहाँ पर हम ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को यहाँ पर देखिए वीडियो ऐड कर सकते हैं, फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीपल फ़ोटो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ से फ़ोटो ले लेंगे, पेजेस फोटोज़ फेसबुक वाला भी ले सकते हैं। अब सपोज़ मेरा वॉच, मेरा घड़ी का है तो मैं घड़ी का ले लेता हूँ। ओपन किया मैंने प्रोडक्ट को, ड्रैग मोर फोटो आप कर सकते हैं, सेलेक्ट और फोटो, बहुत सारे फ़ोटो ला सकते हैं, मैंने यूज़ कर ली। अब यहाँ देखिए नाम लिख दीजिए आप, मैं लिख देता हूँ वॉच, वॉच लिख दिया, बेस्ट क्वालिटी, आपका जैसे भी हो, चाहे रियल इस्टेट का हो चाहे जिस चीज़ का हो। प्राइस लिख देता हूँ 1000। ओके, अब यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। ये सब मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप देख लीजिएगा और आप अपने हिसाब से लिस्ट कर लीजिएगा। शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, आप इसको करेंगे पेज को कर सकते हैं। इन स्टॉक है तो आप यहाँ पर ऑफ स्टॉक करेंगे तो आपका इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट नहीं दिखेगा। विजिबिलिटी क्या होगी, अनपब्लिश्ड होगी, पब्लिक होगी, पब्लिक होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप प्रोडक्ट की कंडीशन को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूज्ड है, यूज्ड गुड है, यूज्ड लाइक न्यू, आप अपना यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट करेंगे, इसमें से किसी एक को ले लेते हैं, यूज्ड गुड, बस ओके हो गया। ये देखिए आपका प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है। ओके, आपका प्रोडक्ट ऐसे दिख रहा है। यहाँ पर हम एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं। ओके, और अगर लगाना चाहते हैं तो हम और लगा सकते हैं। सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ दिए क्रिएट एड्स, यहाँ से ऐड चला सकते हैं। आपका जो सेक्शन होगा वो सेक्शन भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ऐड कलेक्शन, यहाँ से कलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार तो रिफ्रेश करता हूँ। जब मैंने रिफ्रेश किया, अब देखता हूँ कैसा है। देखिए मेरा प्रोडक्ट ऐसे दिख रहा है। ओके, सिर्फ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैंने ऐसा किया। आप कलेक्शन शेयर भी यहाँ कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, कमेंट वगैरह कुछ भी हो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक बढ़िया सा इन्वेंट्री बना सकते हैं, मार्केट प्लेस बना सकते हैं। ये देखिए योर प्रोडक्ट वॉज बेस्ट क्वालिटी इज़ विजिबल टू पब्लिक, पब्लिक के लिए विजिबल हो गया। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हैं और अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कैटलॉग बना सकते हैं, प्रोडक्ट सर्च होगा उसको कर सकते हैं, फॉलोइंग कर सकते, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं यहाँ से। इस तरह से आप अपना मार्केट प्लेस बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इसी तरह फेसबुक से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग के अदर उससे हम आपको वीडियो सेट कर सेंड करते रहेंगे। बाय।